नमस्कार, महेश मती। बाहुबली मूवीज़ की वो लोकेशन जो दुनिया भर में आज पॉपुलर बन गई है, लेकिन असली महेश मती का इतिहास है क्या? क्या है महेश मती और कहाँ है महेश मती? आज इंडिया नाउ एंड हाउ में मैं आपका होस्ट अंकित आपको सुनाऊंगा असली महेश मती की कहानी और बताऊंगा कि कैसे और कब महेश मती पूरे भारत का कैपिटल हुआ करता था। बाहुबली द बिगनिंग के 2015 में रिलीज होते ही पूरी दुनिया में उसके मेकर्स और स्टार्स का नाम हो गया और उनके साथ नाम हुआ महेश मती का। अचानक से लोगों की रुचि बढ़ी इस जगह को जानने के लिए और ये भी कि क्या इस नाम की कोई जगह थी भी या ये एक काल्पनिक नाम है। इतिहासकारों की सुने तो महेश मती सच में एक जगह है और उसका इतिहास भी बहुत महान है, इतना कि वो एक समय में भारत का कैपिटल ही हुआ करता था। देश के बीचों बीच बसी ये जगह कहा जाता है कि नर्मदा नदी के किनारे हुआ करती थी। उस समय का महान राज्य अवंती राज्य यहाँ पर बसा था, जिसका कैपिटल उज्जैनी या आज का उज्जैन हुआ करता था। योग गुरु पतंजलि ने भी ये कहा था कि उज्जैनी से पूर्व की ओर जाने वाले को महेश मती में सबसे पहले सूर्योदय दिखेगा। और इसी ज्योग्राफी और हिस्ट्री के दम पर आज के मध्य प्रदेश के कई शहर पुराने महेश मती होने का क्लेम करते हैं। इनमें से दो शहर सबसे बड़े और लॉजिकल दावेदार हैं। पहला है आज का फेमस ओमकारेश्वर, जहां पर 12 में से एक महाज्योतिर्लिंग है। ओमकारेश्वर जो पहले मंधात कहा जाता था, जिनके वंशज ने महेश मती नाम से उसे आगे बसाया। दूसरा बड़ा क्लेम है उसी के पास एक जगह महेश्वर का, क्योंकि लोकेशन भी लगभग वही है और नाम भी मिलता जुलता है, पर मंधात या ओमकारेश्वर पर ही अधिकतर लोगों की सहमति बनी हुई है। पर महेश मती को सबसे पहले फेमस किया था इतिहास के पहले बड़े अर्जुन नाम के व्यक्ति ने। दूसरे अर्जुन को तो आप जानते हैं, जो कलयुग से पहले द्वापर युग में थे, भगवान कृष्ण के भक्त थे और पांडव थे। लेकिन उनसे पहले भी एक अर्जुन हुआ करते थे बहुत पहले, जिनका नाम था कर्तवीर अर्जुन। वो हेहया किंगडम के एक बहुत ही बड़े राजा थे, जिनका सीधा संबंध यादवों से था। देखते ही देखते कर्तवीर अर्जुन ने अपना राज्य लगभग पूरे देश में फैला लिया था। ये वो समय था जब भगवान परशुराम धरती पर थे, भगवान श्री राम आने वाले थे और रावण भी। कर्तवीर अर्जुन का राज्य इतना फैल गया कि वो सीधा रावण की लंका से भिड़ पड़े। उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक युद्ध में रावण को भी हरा दिया। इस बड़ी विजय के बाद वो एक राजा से पूरे भारतवर्ष के सम्राट बन गए। कर्तवीर अर्जुन का वैभव और ज़्यादा फैला और उन्होंने और भी कई युद्ध लड़े, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक निर्णायक युद्ध लड़ा भगवान परशुराम से, जो वो हार गए थे। कर्तवीर अर्जुन के मरने के बाद भी महेश मती की इम्पोर्टेंस कभी कम नहीं हुई। आगे के अवंती राज्य और यहाँ तक कि मौर्य राज्य में भी महेश मती का नाम बहुत ही ऊपर लिया जाता रहा। महान सांची स्तूप पर बनी लिखावटों में से कुछ में ये तक लिखा है कि वहाँ महेश मती से लोग आया करते थे। यहाँ तक कि 11वीं से 12वीं शताब्दी में कुछ साउथ इंडिया के रूलर्स ने ये तक कहा था कि वो भी कर्तवीर अर्जुन और हयहया कुल के ही हैं, वो उनके वंशज है और महेश मती से उनका सीधा नाता है। लेकिन 14वीं शताब्दी आते आते महेश मती शहर कमज़ोर होने लगा, उसकी इम्पोर्टेंस भी जल्द कम होने लगी और उसका नाम धीरे धीरे कर लुप्त हो गया। इतना कि अगले 600 सालों में उसमें रहने वाले या वहाँ से नाता रखने वाले लोगों को ही नहीं पता कि महेश मती की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, और अगर वो जानते भी हैं तो इसका ठोस सबूत किसी के पास नहीं है। और फिर आया साल 2015, जब प्रभास स्टारर फिल्म मेकर SS राजामौली ने अपनी बाहुबली मूवी की काल्पनिक लोकेशन का नाम रख दिया महेश मती। महेश मती की गुम इम्पोर्टेंस को SS राजामौली की दोनों बाहुबली फिल्मों ने फिर से उठा दिया और लाइमलाइट में लाकर खड़ा कर दिया। इतने ग्रैंड कैरेक्टर्स, इतने लैविश सेट्स कि लोगों को सचमुच में लगने लगा कि महेश मती एक ऐसा ही बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था। हमारी आज की इस दिलचस्प कहानी में बस इतना ही। हम आपके पास लौट कर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।